देहरादून के झांझरा वन रेंज स्थित आनंद वन 17 अक्टूबर को पहले शारदीय नवरात्र पर आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। इसका उद्घाटन हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। आनंद वन में 10 साल तक के बच्चों का प्रवेश मुफ्त रहेगा, जबकि 11 से 15 साल तक के बच्चों के लिए ₹20 और 15 साल से अधिक उम्र वालों के लिए ₹50 प्रवेश शुल्क रखा गया है। आनंद वन की डिजाइनर साधना जयराज ने बताया कि इसे तैयार करने में करीब 3.5 साल का वक्त लगा है। आनंद वन में वन्य जीवों को मूर्ति रूप में चित्रित ही नहीं किया गया है, बल्कि उनके विषय में लिखित जानकारी भी दी गई है। ये जो आनंद वन है ना, इसमें हर उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। और यहाँ की जो सबसे विशेष बात है वो ये है कि हमने प्रकृति से छेड़छाड़ ना करते हुए इसको डेवलप किया है। इसमें हमने उत्तराखंड का जो वन है और यहाँ के वन्य जीव हैं, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे पशु हो, मांसाहारी या शाकाहारी, सभी को यहाँ पे हमने प्रदर्शित करने की कोशिश करी है। और यहाँ का फ्लोरा भी, जैसे यहाँ की जड़ी बूटियाँ, नक्षत्र वाटिका में नक्षत्र के जो पेड़ पौधे होते हैं वो, और यहाँ के आप देखेंगे यहाँ बहुत सुंदर चित्र लगे हुए हैं जो पेंट किए हैं मैंने, और वो चिड़िया है उत्तराखंड में पाई जाने वाली। और वो सिर्फ चित्र नहीं लगाए हैं या सिर्फ मॉडल नहीं लगाए हैं हमने पशुओं के, हमने उनके बारे में जानकारी भी दी है।